हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हमारा जो ऑर्डर चल रहा है इंटोमोलॉजी में, वो हम लोग आज ऑर्डर पढ़ेंगे कॉलियोप्टेरा एंड हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, कॉलियोप्टेरा एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और हाइमेनोप्टेरा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट कॉलियोप्टेरा में भी वेरियस फैमिली है एंड हाइमेनोप्टेरा में भी वेरियस फैमिली है। जैसे कि कॉलियोप्टेरा में है कोसिनेलिडी, क्राइजोमेलिडी, सिराम्बिसिडी, करक्यूलियोनिडी, ब्रूचीडी एंड स्क्रैम्बिडी, ये छह फैमिली है कॉलियोप्टेरा में। फिर हाइमेनोप्टेरा में आपका है टेंथ्रिनिडी, एपिडी, ट्राइकोग्रामाटीडी, इक्निमोडी, ब्रैकोनिडी एंड चैल्सिडी, इसमें भी हमारा छह फैमिली है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कॉलियोप्टेरा ऑर्डर तो हम समझ ही रहे हैं, जिसका भी हार्ड एंड टफ जो भी एक्सोस्केलेटन होता है उसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली बीटल्स होता है और ये जो ऑर्डर है आप लोगों का है, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, एटलीस्ट जितने भी एनिमल हैं अर्थ पे उसका 30% जो भी होता है एनिमल उसमें कॉलियोप्टेरा आता है। ठीक है, बीटल्स का जो भी लाइफ साइकिल हुआ कंप्लीट लाइफ साइकिल है, मतलब कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, डेट इज़ उसमें एग होगा, लार्वा होगा, प्यूपा एंड एडल्ट होगा। ठीक है, और इसका जो भी लाइफ साइकिल कंप्लीट, कभी कभी तो वीक तो कम है बट कभी कभी सेवरल ईयर्स भी लग जाता है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। पीपा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चला जाता है इनएक्टिवेशन पीरियड में। ठीक है, इनका जो भी अगर हम दूसरे इंसेक्ट से इसको अलग करें तो इनका जो फ्रंट पेयर ऑफ विंग होता है बहुत ही हार्डेंड होता है, एक केस में ये प्रोटेक्टेड होता है जिसको हम लोग इलिट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इससे भी याद रखना, जिनका फॉर्मिंग इलिट्रा उसको बोलते हैं, जो कि अलग इंसेक्ट से इसको डिस्टिंग्विश करता है। और ये उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए यूज नहीं करता है फॉर्मिंग को, हाइंड विंग के थ्रू ये फ्लाई करता है। इसमें वेरियस जो भी और भी जो स्पीसीज है वो एग्रीकल्चरल पेस्ट, डैट इज़ की एग्रीकल्चर का जितना भी क्रॉप्स है उसको ये डैमेज भी करता है, जैसे कि क्लोराइडो पोटैटो बीटल्स है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ेंगे बट क्लोराइडो पोटैटो बीटल्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फील्ड में भी क्रॉप को अफेक्ट करता है और जब हम स्टोर कर देते हैं क्रॉप्स को तो स्टोरेज पेस्ट भी बोलते हैं क्लोराइडो बीटल को। ठीक है, और कॉलियोप्टेरा ऑर्डर में बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ बग्स एंड बीटल्स आता है, जितने भी बग्स एंड बीटल्स होंगे सारे कॉलियोप्टेरा ऑर्डर में। जैसे देखो डिफरेंट ये बीटल्स हैं, ठीक है ना, इस तरह का अगर इंसेक्ट आप लोग देखो जो देख सकते हैं, इनका जो भी बॉडी बिल्कुल हार्ड होता है, टफिन होता है, ब्राइट कलर भी कभी कभी देखने को मिलता है, डल कलर भी देखने को मिलता है, वेरियस कलर का डॉट भी मिलता है देखने के लिए। तो इस तरह का अगर इंसेक्ट दिखे तो समझ लेना कि वो बीटल्स है और ये कॉलियोप्टेरा ऑर्डर में आता है। इसका जो फर्स्ट फैमिली हमारा है कोसिनेलिडी, कोसिनेलिडी जो फैमिली है, ये फैमिली हमारा है, ये फैमिली ऑफ लेडी बग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो भी रेंज होगा साइज का 0.8 to 18 millimeter, ठीक है, और इंच की बात करें तो 0.71 इंच में ये वैरी करता है। तो बेसिकली इसमें लेडी बर्ड बीटल जो होता है ये कॉसिनेलिडी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लेडी बर्ड बीटल का, ये जो अपना एग होता है डायरेक्टली, जो अफीड है, हम लोग अफीड के बारे में पढ़े हैं, अफीड और जो भी स्केल इंसेक्ट्स होते हैं उनके कॉलोनी में जा करके ये अपना एग लेइंग करता है। सो डैट की अगर इसका जो भी लार्वी या जो भी यंग वन इसका हैच हो तो वो फिर उसको इमीडिएट फूड का जो नीड होता है वो कंप्लीट हो जाए। सो डैट इसका मेन एम यही होता है कि अपने एग्स को अलग कॉलोनी जैसे कि अफीड और स्केल इंसेक्ट्स में जा कर के ले करना, और उनका जब भी इसका यंग वन जब भी बाहर निकलेगा तो वो डायरेक्ट फीड करता है अफीड और स्केल इंसेक्ट पर। ये तो यानी कि पैरासिटॉइड का भी ये काम करता है लेडी बर्ड बीटल। इस तरह का इंसेक्ट आप लोग देखे होंगे, ब्लैक डॉटेड होगा, रेड कलर इसका बैकग्राउंड होगा, जो भी ये पोर्सन है थॉरेक्स वाला पोर्सन, एब्डोमिन वाला जो भी पोर्सन होगा टोटली रेड होगा और ब्लैक डॉटेड होगा। तो ये याद कर लीजिए आप लोग, लेडी बर्ड बीटल रिप्रेजेंट करेगा कोसिनेलिडी फैमिली को। नेक्स्ट है क्राइजोमेलिडी फैमिली। क्राइजोमेलिडी फैमिली बेसिकली जो फैमिली ऑफ लीफ बीटल, इसमें बहुत सारा स्पीसीज है, 3700 है और एटलीस्ट 50,000 स्पीसीज इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया है, और जिसमें कि 2500 जेनरा है ना, जेनरा और स्पीसीज अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया, और बहुत सारा अनआइडेंटिफाइड भी है, बहुत सारा अनडिस्क्राइब्ड स्पीसीज भी है। ठीक है, इसलिए ये जो फैमिली है बहुत ही लार्जेस्ट फैमिली है
और बेसिकली इस फैमिली में बहुत सारा जो लीफ बीटल होगा अलग अलग कलर्स का आएगा, अलग अलग स्पीसीज का आएगा। बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने का, इस फैमिली को आइडेंटिफाई करने का एक ही ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। अगर जो लीफ बीटल होगा क्राइजोमेलिटी फैमिली का, उसमें ब्राइटनेस होगा। जैसे ग्रीन है तो उसमें येलोइश ब्राइटनेस होगा, ब्राउन ब्राइटनेस होगा, रेड है तो ब्राइट करेगा, मतलब वो थोड़ा सा चमकेगा, जो भी ये क्राइजोमेलिटी फैमिली का बीटल्स होगा। तो इस तरह से आप लोग ये इंसेक्ट भी देखे होंगे, ग्रीनिश येलोइश कलर का होता है उनका जो भी ये पोर्शन होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्राइजोमेलिटी फैमिली को। नेक्स्ट है सिरैम्बिसिडी फैमिली। सिरैम्बिसिडी फैमिली से याद कर लीजिए, जो भी इसको हम लोग लॉन्ग हॉर्न बीटल भी बोलते हैं, जिसका भी टेंटिकल्स, जिसका भी एंटीना बहुत ही लार्ज होगा, ठीक है ना, इसको लॉन्गिक हॉर्न भी बोला जाता है। और इसमें 26,000 स्पीसीज डिस्क्राइब किया जा चुका है, अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है ना, अलग अलग कलर्स के कारण, एंटीना के कारण, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज के कारण। तो सिरैम्बिसिडी फैमिली को आइडेंटिफाई करने का ये तरीका कि जिसका भी एंटीना बहुत ही लार्ज होगा, इसका जो भी एंटीना होता है, जो भी बॉडी का लेंथ होता है उससे भी बड़ा होता है कभी कभी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉन्गर होता है, जो भी बॉडी इसका ये लेंथ है इससे भी लॉन्गर होता है उसका एंटीना। तो ये लॉन्गहॉर्न बीटल है, ठीक है, लॉन्गहॉर्न बीटल ये सिरैम्बिसिडी फैमिली में आएगा आपका। उसी तरह से है कर्क्यूलियोनिडी फैमिली। कर्क्यूलियोनिडी फैमिली इट इज़ अ फैमिली ऑफ ट्रू वीवल्स और स्नाउट बीटल्स बोलते हैं। देख सकते हैं आप लोग इंसेक्ट का जो भी स्नाउटेड होगा, इस तरह से उसका जो माउथ पार्ट होगा स्नाउटेड होगा। और बहुत सारा इसमें जेनरा और स्पीसीज भी डिस्क्राइब्ड है, जैसे कि 6,800 जेनरा है एंड 83,000 स्पीसीज डिस्क्राइब किया जा चुका है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसमें से बार्क बीटल्स भी आएगा, इस फैमिली में बार्क बीटल भी आएगा, जिसका कि सब फैमिली स्कोलिटिनी, ठीक है ना, बार्क बीटल का फैमिली है स्कोलिटिनी, डैट इज सब फैमिली, वो भी कर्क्यूलियोनिडी फैमिली में ही आएगा, जो कि इसका भी सेप मॉडिफाइड होता है वुड बोरिंग के लिए, है ना, वुड बोरिंग के लिए। देखिए ये आपका वुड बोरर है, वुड बोरिंग के लिए मॉडिफाइड होता है उसका, जो भी वुड बोरिंग ही नेचर है तो उस बेसिस पे उसका जो भी माउथ का पार्ट होता है मॉडिफाइड होता है। और इस फैमिली को हम लोग ट्रू वीबल्स और स्नाउट बीटल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रूचिडी फैमिली। ये ब्रूचिडी फैमिली को हम लोग बीन वीबल्स और सीड बीटल्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट होता है, आप लोग देखिए हम इसको ग्रैनी वर्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये जितना भी वेरियस टाइप ऑफ जो भी हम लोग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, सीड्स, जैसे बीन्स हो गया, सीड्स हो गया, वीट, जो भी वीट होता है, राइस होता है, उसमें ये जाकर के अटैक करता है। इसको हम लोग कॉमन नेम सुंडी बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे बहुत ज़्यादा। ये राइस में जब ये स्टोर करिएगा, वीट में स्टोर करिएगा, बिल्कुल ब्राउन और मरून कलर का ये होता है, बहुत ही टाइनी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बीन बीबल्स और सीड बीटल्स बोलते हैं, जिसका फैमिली है ब्रूचिडी फैमिली। ये आप लोग देखे होंगे बहुत ही कॉमन है, वीट और राइस में देखने के लिए मिलता है ये। नेक्स्ट फैमिली हमारा है स्क्रैम्बिसिडी फैमिली, ठीक है। स्क्रैम्बिसिडी फैमिली में बेसिकली इसमें भी 30,000 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड इसमें आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं स्क्रैब और स्क्रैब बीटल। स्क्रैब्स भी बोल सकते हैं और स्क्रैब्स बीटल भी बोल सकते हैं। इनका जो भी फ्रंट लेग होता है वो मॉडिफाइड होता है डिगिंग के लिए, कहीं तो भी डिगिंग करने का इसका ये बीटल यूज करता है अपने आगे वाले लेग को। और ये बहुत ही हैवी बॉडी भी इसका होता है और बहुत टफिन होता है इसका, जो भी प्रोथोरेक्स और एब्डोमेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत हार्डन होता है। वैसे तो हार्डन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही है बीटल्स का, लेकिन स्क्रैब बीटल का जो भी हम्प होगा, जो भी इसका एब्डोमेन होगा, बहुत हार्डन होगा और उठा हुआ टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपली इस तरह का इंसेक्ट आप लोग देखें तो ये स्क्रैप बीटल है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट आता है ऑर्डर हाइमिनोप्टेरा। हाइमिनोप्टेरा भी लार्ज ऑर्डर है, बेसिकली सॉ फ्लाई, वैस्प, बीज और एंट्स इस फैमिली में आएगा। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हम लोग कलर के बेसिस पे देख सकते हैं, बहुत अलग अलग कलर देखने को मिलेगा अलग अलग इंसेक्ट्स में, बीज और वैस्प में अलग अलग कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। और बहुत सारा स्पीसीज इसका पैरासिटिक ही नेचर भी होता है, मतलब अलग इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को फीड करेगा, और हाइपर पैरासिटिक भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा दूसरे इंसेक्ट को डिपेंड रहता है फूड के लिए। इसका और भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी फीमेल होती है वो उसमें ओविपोजिटर होता है, मतलब कि एग लेइंग करने का जो भी ऑर्गन होता है उसको हम लोग ओविपोजिटर बोलते हैं, ठीक है, जो कि उस तरह का होस्ट में और वैसे प्लेस पे वो इंसर्ट करता है अपने एग्स को, जहाँ पे ह्यूमन ना जा सके, जहाँ अनएक्सेसिबल हो हमारा,
वैसा प्लेस पे ये इंसर्ट करता है अपने एक्स को बचाने के लिए। और ये इसका जो भी ये ओविपोजिटर होता है वह स्टिंगर का भी काम करता है, जैसे स्टिंग करने का काम इसका ये ओविपोजिटर ही करता है। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन है स्टिंग इसका ओविपोजिटर का।